कपूर फैमिली में आए नए मेहमान यानी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी का नाम अनाउंस कर दिया गया है। आलिया भट्ट ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये शेयर करी जानकारी। चलिए आपको बताते हैं आलिया भट्ट की बेटी का क्या है नाम और किसने रखा है आलिया की बेटी का नाम। इन दिनों रणबीर और आलिया भट्ट अपना पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। आखिर करना भी चाहिए क्योंकि उनके घर नन्ही परी जो आई है और इस छोटी सी परी के साथ पूरा परिवार टाइम स्पेंड कर रहा है। रणबीर और आलिया ने अपनी नन्ही परी का नाम फाइनली डिसाइड कर लिया है। जी हाँ, आलिया ने कल एक पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, रणबीर और आलिया ने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है। राहा एक बहुत ही यूनिक और प्यारा नाम है जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आलिया ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। साथ ही उन्होंने अपने बेबी के साथ एक पिक भी शेयर करी जिसमें रणबीर ने बेटी को गोद में लिया हुआ है और दोनों अपनी बेटी का नाम रिवील कर रहे हैं। नाम रिवील का स्टाइल भी यूनिक है। आप देख सकते हैं कैसे दीवार पर लगे इस टी शर्ट के जरिए उन्होंने अपने बेबी का नेम रिवील किया और उसका मतलब भी बताया। आलिया भट्ट ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम राहा बताया है। ये नाम रणबीर की माँ नीतू कपूर ने रखा है। इस नाम का अर्थ बेहद खूबसूरत है। आइए आपको बताते हैं अलग अलग भाषाओं में इसका मतलब क्या है। हमारी बेटी का नाम उसकी प्यारी दादी ने रखा है। राहा नाम के मतलब बेहद सुंदर और खूबसूरत है। राहा का मतलब है एक दिव्य पथ। स्वाहिली में इसका मतलब है खुशी। संस्कृत में इसका मतलब है गोत्र। बांग्ला में इसका मतलब है आराम और राहत। और अरबी में इसका मतलब है शांति, खुशी और स्वतंत्रता। हमारी बेटी के नाम का अक्षर हम सब ने महसूस किया है। थैंक यू राहा, हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे हमने जिंदगी जीना अभी से शुरू किया है। बेटी का नाम रिवील करने के बाद उनके फैंस के साथ साथ उनके बॉलीवुड के फ्रेंड्स भी बेहद खुश हैं। पहले उनके फैंस को लग रहा था कि रणबीर अपनी बेटी का नाम अपने पापा ऋषि कपूर के नाम पर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नाम के बाद सबको इंतजार है नन्ही राहा की एक झलक देखने का और इसके लिए भी लोग काफी एक्साइटेड हैं। अब देखना होगा कब ये कपल राहा का चेहरा दुनिया को दिखाता है। अगर आपको भी हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें, 14 अप्रैल 2022 को आलिया और रणबीर की मुंबई के एक फ्लैट में शादी हुई थी। इससे पहले 27 जून को आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। 6 नवंबर को आलिया ने एक बेटी को जन्म दिया था। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।